इस बस में बैठकर मायरा हर्ष अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई साहब, आपने ये बस यहाँ पर क्यों रोक दी? यहाँ से जल्दी चलिए। पापा, हम लोग दादा दादी के घर कब पहुँचेंगे? ये बस तो चल ही नहीं रही है, हम लोग कैसे बस पर बैठ गए? मैंने कहा था कार्तिक जी कि ये बस ड्राइवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इस बस पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो आप लोग, क्योंकि ये बस अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आप लोगों को यहीं पर रुकना होगा। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, कृपया इस बस को आगे लेकर चलिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, अब आप लोगों को यहाँ पर उतरना होगा। चलो जल्दी नीचे उतरो। भैया, मुझे इस बस ड्राइवर से बहुत ही डर लग रहा है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मायरा, शांत हो जाओ, मुझे तो ये बस ड्राइवर बहुत ही अजीब लग रहा है। कहीं हम लोगों को बहला फुसला कर कहीं और तो नहीं ले जा रहा है? मुझे डर लग रहा है मायरा। हाँ हर्ष भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग बहरे हो क्या? मैं कब से कह रहा हूँ कि इस बस से नीचे उतरो, लेकिन तुम लोग तो उतर ही नहीं रहे। कार्तिक जी, चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं, वरना ये बस ड्राइवर हम लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। अरे हाँ हाँ गीता, अभी हम लोगों को उसकी बात माननी ही होगी। ठीक है, चलो हम लोग नीचे उतरते हैं। चलो रोहन। सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। अरे ये कैसी जगह है, मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ यहाँ पर कौन कौन रहता है। अरे वहाँ पर तो दो औरत खाना बना रही है, आखिर वो क्या बना रही है? अरे लगता है पापा बस लेकर आ गए, मैं जरा उठकर देखता हूँ। अरे वाह, मेरे ही पापा आए हैं, लगता है आज बहुत सारे लोगों को पकड़ कर लाए हैं। मैं थोड़ा पास जाकर देखता हूँ आखिर कौन कौन आया है बस में। ये लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। मारा, वो देख कौन आ रहा है हम लोगों के पास। भैया, मुझे उससे बहुत ही डर लग रहा है, लगता है उसके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। देखिए ना, उसका बॉडी कितना खराब हो गया है। पता नहीं मारा आखिर क्या हुआ है। अरे शांत रहो, वो हम लोगों के नजदीक आ गया। अरे वाह, प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चे, मैं अभी जाकर उससे दोस्ती कर लेता हूँ। तुम दोनों का क्या नाम है, क्या मुझे बता सकते हो? मेरा नाम हर्ष है। और मेरा नाम मायरा है। अरे वाह, तुम दोनों का तो बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, चलो मेरे घर में आराम कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम? अरे कैसा गेम, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर में, दूर रहो। हाँ हाँ, हम लोगों से दूर रहो, हम लोग यहीं पर ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, बस मेरा दोस्त बन जाओ। इधर छत पर एक जंगली आदमी सोया हुआ है। अरे इतनी आवाज कहाँ से आ रही है, लगता है मेरे घर पर बहुत सारे लोग आए हैं। मैं उठकर देखता हूँ आखिर कौन आया है। अरे वाह, मेरे घर पर तो बहुत सारे मेहमान आए हैं। मैं अभी सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ और सभी से बातें करता हूँ। ये जंगली आदमी सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। मैं जल्दी जाता हूँ, नहीं तो वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अरे तुम लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो, इधर आओ मेरे साथ छत पर बैठो। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, वो तुम लोगों को काट लेगा, इधर आओ मेरे पास आओ। कार्तिक, मुझे ये किसी इंसान का घर नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। कार्तिक, हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन रोहन हम लोग इतनी रात में जाएंगे कहाँ? हम लोगों को किसी तरह आज रात यहीं पर गुजारना होगा। कार्तिक, वो देखो कौन आ रहा है, शांत हो जाओ। आप दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? चलिए हम लोग छत पर बैठकर आराम से बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग यहीं पर ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए। अरे आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, वरना थोड़ी देर बाद तुम लोग यहाँ से गायब हो जाओगे। हाँ भाई साहब। कार्तिक, हम लोगों को इसकी बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि इस जगह के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हाँ रोहन, और इतनी रात में कहीं जा भी नहीं सकते। चलिए भाई साहब, हम लोग छत पर चलते हैं। कार्तिक और रोहन छत पर जाने लगते हैं।
बच्चों तुम लोग भी छत पर चलो, वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। हाँ हाँ मारा हर्ष, चलो छत पर, यहाँ पर नीचे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है पापा, अभी चलते हैं। मायरा चलो यहाँ से। अरे मम्मी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है, यहीं पर तो थी मम्मी। ये मिर्च का सूप थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं सभी को एक एक गिलास पीने के लिए दे दूंगी। अरे दीदी अभी तक मिर्च का सूप तैयार नहीं हुआ क्या? मुझे सूप पीना है, बहुत तेज भूख लगी है। अरे मुझे बहुत तेज भूख लग गई। मम्मी खाना बन गया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। अरे मम्मी तो अभी तक सूप बना रही है, मम्मी जल्दी बनाइए। अरे थोड़ी देर और इंतजार करो। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। अरे भैया और दीदी कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ मेरी प्यारी बहन। ये दोनों जंगली बच्चे कीचड़ में नहा रहे हैं। भैया उन दोनों बच्चों को यहाँ पर बुला कर लाओ, मैं उसे कीचड़ में नहलाऊंगी। अरे हाँ तुम तो ठीक कह रही हो, मैं अभी उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, ये लोग तो मिर्च का सूप बना रहे हैं, लगता है हम लोगों को यहीं पिलाएंगे। अरे हाँ तुम लोगों को यही सूप पीना होगा जो हम लोग पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे मिर्च बहुत ही तीखा लगता है, मैं सूप नहीं पीऊंगी। यहाँ का मिर्च बिल्कुल भी तीखा नहीं है, समझी, तुम्हें सूप पीना ही होगा। ये लकड़ी का सीढ़ी कभी भी टूट सकता है, मैं छत पर नहीं जाऊंगा। ये सीढ़ी बहुत ही मजबूत है, कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो छत पर। ये हम लोग कहाँ फंस गए, लगता है यहाँ से निकलना अब बहुत ही मुश्किल है, अब क्या करें? अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो छत पर, देखो अंधेरा होता जा रहा है। हाँ चलते हैं चलते हैं। कार्तिक छत पर जा रहा है। तुम लोग भी आ जाओ, कुछ नहीं होगा। पापा मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊँगा। हाँ पापा मैं भी नहीं आऊँगी, मुझे डर लग रहा है। अरे यहाँ पर मगरमच्छ भी है, मायरा जल्दी चलो छत पर, यहाँ पर मगरमच्छ है, हम लोगों को काट लेगा। हाँ हाँ मायरा हर्ष जल्दी चलो छत पर। कितना खतरनाक जंगल है। हर्ष भैया जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे मम्मी तो वहाँ चुड़ैल आंटी के साथ बातें कर रही है। मम्मी जल्दी इधर आइए। अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, चलो हम लोगों के साथ कीचड़ में नहाना बहुत ही अच्छा लगेगा। छी छी तुम लोग कीचड़ में कैसे नहाते हो, तुम लोगों को कीड़ा नहीं काटता है क्या? मुझे तो इस मगरमच्छ से बहुत ही डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा कीचड़ में। अरे बिल्कुल भी मत डरो, ये मगरमच्छ पालतू है, कुछ नहीं करेगा। अरे वो दोनों तो मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं इस कीचड़ में। बहुत अंधेरा हो गया है, तुम लोग जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना वो बड़ा सा राक्षस आ जाएगा, जल्दी आओ। क्या राक्षस, यहाँ पर राक्षस भी आते हैं? हाँ हाँ जल्दी से घर के अंदर चलो, यहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आता है और फिर सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, लेकिन वो घर में कभी नहीं घुसता है, सिर्फ बाहर ही बाहर रहता है। क्या, अरे तब तो मुझे घर में चले जाना चाहिए। हाँ हाँ जल्दी चलो घर में। गीता घर में जा रही है। जल्दी घर में आओ, उस राक्षस का आने का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। इस घर में बहुत ही जगह है, हम तीनों आराम से सो जाएंगे, जल्दी आओ। हे भगवान हम लोग कहाँ पर फंस गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ, उस राक्षस का आने का टाइम हो गया है। अरे जल्दी चलो छत पर। क्या हो गया तुम्हें, इस तरह से क्यों बोलने लगे, तुम्हें समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी छत पर जाना होगा। हर्ष छत पर जाने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है, मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, वो राक्षस इस आग के पास नहीं आता है। यहाँ छत पर कार्तिक रोहन और बच्चे बैठ जाते हैं। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे ये कैसी आवाज है, ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। शांत रहो तुम लोग, वो राक्षस आ गया है।